देखिए, सबक तो लेना यह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी, इसमें मैं सोचता हूँ उन्होंने ऑलरेडी इसमें एक मूव कर लिया है कि हेलमेट में उन्होंने कुछ संशोधन करने का बोला है, जो हेलमेट बनाते हैं, जो अच्छा मूव है। मैं सोचता हूँ हमने वो घटना इतनी नज़दीकी से तो नहीं देख पाए, जो भी हम मीडिया में थोड़ा बहुत देख रहे हैं उससे लग रहा है कि कुछ एक उसमें देखिए बड़ा ही मार्जिन ऑफ एरर बड़ा कम रहता है खेल में, और ये इस तरह की घटना किसी भी खेल में हो सकती है। हेलमेट और खेलों में भी पहने जाते हैं, तो इसमें खिलाड़ी की क्षमता, टेक्निक और हेलमेट किस क्वालिटी का, ये भी इम्पोर्टेंट है। बट बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा हुआ, पर इतने साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कुछ बिरला एक आध घटना ऐसी हुई है, तो इसको इतने दूर हम बैठ के किसी को दोष दें ये तो ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं गेंदबाज को तो कभी दोष नहीं दूंगा। रमन लाला को फील्डिंग करते हुए चोट आई और वे नहीं रहे। इस घटना के बाद क्लोज फील्डिंग में हेलमेट पहनना आम बात हो गई। फील्ड यूज के बाद इस तरह की कोई सावधानी अपनानी चाहिए या उसमें कुछ इजाफा, क्योंकि हेलमेट तो अभी भी पहनना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, आईसीसी ने कुछ, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि आईसीसी ने कुछ रिकमेंड किया है कि जो एक एक ऐसा छोटा सा जगह रहती है पीछे सिर की तरफ जहाँ पे हेलमेट कवर नहीं करता है, तो अगर उस हिस्से को, और शायद जो मैं देख रहा था टीवी पे, अगर फिल ह्यूज अगर अपना सिर को घुमाते नहीं तो शायद उनके सिर में बॉल लगती नहीं वो। तो ये चीज़ें तो ह्यूमन एरर है। और हाँ, आप जैसा कह रहे हैं कि हेलमेट की क्वालिटी में बेहतर होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इनको इसको पार पा लिया जाएगा और कुछ इस तरह के हेलमेट आ जाएंगे जिससे पूरा प्रोटेक्शन मिल जाए। घटना का तो असर नहीं होगा। देखिए, हादसा था, बहुत दुखद घटना थी और दुर्भाग्यशाली घटना थी बड़ी, और स्तब्ध कर दिया क्रिकेट जगत को, क्या खेल जगत को पूरे। किंतु मैं नहीं सोचता कि इससे किसी खिलाड़ी की मानसिकता में फर्क पड़ेगा। हाँ, भारत की प्रिपरेशन को ज़रूर फर्क पड़ रहा है कि उनको मैच खेलने का एक जो अवसर था, और जो मैंने जैसा पहले कहा कि उस परिस्थितियों में ढालने का वहाँ की वो अवसर एक वो चूक जाएंगे।